अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फातिमास किचन। आज मैं आपको चिकन जलफ्रेज़ी बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही इजी वे में, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको एक पैन में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालना है। इसमें 2 अदद अंडे, चुटकी भर काली मिर्च और नमक के साथ फैन के इसमें डाल के पका लें। जब अंडे पक जाएँ इसको किसी बर्तन में निकाल लें और इसी पैन में आपने 2 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करना है। 1 अदद थिनली स्लाइस्ड प्याज काट के उसको शैलो फ्राई कर लें। आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। अब 1 अदद शिमला मिर्च स्लाइसेस में काट के इसमें डाल लीजिए। मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए आधी ऑरेंज और आधी येलो शिमला मिर्च ली है। आप भी किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जब इसको आप फ्राई कर लेंगे इसको आपने किसी बर्तन में निकाल लेना है। इसके बाद सेम पैन में ही 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर दें और इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। आपने इसको जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन करना है। जैसे ही ये गोल्डन हो जाए इसमें 1/2 किलो बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ बोनलेस चिकन डाल लें। इसका कलर चेंज होने तक इसको आप फ्राई कर लीजिए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें आपने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही आपने लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर देना है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और चिकन को तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। और जैसे ही चिकन गल जाएगा मैं इसमें 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें शामिल करके इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच ही नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखा करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद 1 टमाटर जूलियन कट में, जिसके आपने बीज निकाल देने हैं, इसमें शामिल कर दीजिए और टमाटर को तकरीबन 1 मिनट के लिए ही पकाना है आपने। और जो सब्ज़ियाँ हमने शैलो फ्राई कर ली थी उनको भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। इसमें अब अच्छे से चम्मच हिला लें ताकि सब्जियां भी ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाएं। सबसे एंड पे इसमें हम वो ऑमलेट ऐड करेंगे जो हमने सबसे पहले बनाया था। इसको मैंने चकोर पीसीज में काट लिया था। अब आप इसको सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन जलफ्रेज़ी हमारा तैयार है। अब इसको डिश आउट करेंगे। मैंने इसके साथ प्लेन राइस बनाए हैं। आप चाहें तो इसको वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की डिश। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।